यूएसए ने क्लेम किया है कि उसने S-400 को मार गिराया। अब S-400 भारत के पास आने वाला है और जिस मिसाइल से अमेरिका ने मार गिराया है वो पाकिस्तान के पास भी है, तो यहाँ पे भारत के लिए एक सोचने वाली बात खड़ी हो गई है। यूएस आर्मी अफ्रीका लायन युद्ध अभ्यास कर रही थी। इसी युद्ध अभ्यास में एक सिम्युलेटेड स्ट्राइक किया गया रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जिसमें अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया इस्तेमाल करके AGM-88E, जो कि एक एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल है। दिक्कत की बात यह है कि इस एयर टू सरफेस मिसाइल को F-16 विमानों में फिट किया जा सकता है जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है। यानी भविष्य में ऐसा चांस है कि पाकिस्तान अपने F-16 का इस्तेमाल करके भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे। हालांकि ये एक सिम्युलेटेड स्ट्राइक था, जब रियल लाइफ में भारत पाकिस्तान के बीच कोई कंफ्लिक्ट चल रहा होगा तो भारत अपने S-400 को डिफेंड करने के लिए पहले से तैयारी करके रखेगा। और किसी भी देश के किसी भी फाइटर जेट के लिए इतना आसान नहीं होगा कि आ करके बस मिसाइल दाग करके चले जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।